नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रो पूंजी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन हमें अडानी के ग्रुप में कुछ न्यूज देखने को मिली है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो न्यूज है क्या और उसके बाद में हम ये जानेंगे कि उस न्यूज का अडानी के किस स्टॉक पर इम्पैक्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जहां हम आपके लिए कहते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में लॉस होने से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपका स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक के साथ आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर डीमेट अकाउंट ओपन करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जिससे आपकी हेल्प हो सके। दोस्तों अडानी ग्रुप में जो न्यूज आई है, उस न्यूज देखने से पहले हम अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स को देख लेते हैं। जहां अभी अडानी पावर के स्टॉक की अभी प्राइस चल रही है 84.95 यानी कि 85 के समथिंग। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें अडानी पावर के स्टॉक की एक साल पहले की प्राइस की, तो अडानी पावर के स्टॉक की प्राइस चल रही थी 34-35 के समथिंग, और स्टॉक में एक अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला और स्टॉक ने हाई मारा 165-166 का। लेकिन जब से सुचिता दलाल का ट्वीट आया है तब से अडानी पावर के स्टॉक में हमें काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और स्टॉक की प्राइस 166 से सीधे आ गई है 84। बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है हमें अडानी पावर के स्टॉक में। वैसे तो अडानी के सभी स्टॉक में हमें काफी अच्छा अपट्रेंड भी देखने को मिला है और सुचिता दलाल के ट्वीट के बाद में काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला है। अब हम सेकेंड स्टॉक के बारे में देख लेते हैं, अडानी ग्रीन का, जिसकी अभी प्राइस चल रही है 919। इस स्टॉक में भी अभी हमें काफी अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला है। एक साल पहले अडानी ग्रीन के स्टॉक की प्राइस चल रही थी 160-170 और उसके बाद में स्टॉक ने एक अच्छा अपट्रेंड दिया और स्टॉक की प्राइस आ गई 1330 और फिर स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला और स्टॉक में 400 के समथिंग एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। अगर हम बात करें थर्ड स्टॉक की, जो है अडानी एंटरप्राइज, इस स्टॉक की भी प्राइस चल रही है 1437। इसी स्टॉक में भी हमें काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और इसी स्टॉक में हमें सबसे ज्यादा अप ट्रेंड भी देखने को मिला था। दोस्तों एक साल पहले अडानी एंटरप्राइज के स्टॉक की प्राइस चल रही थी 170-165 और स्टॉक में जो अप ट्रेंड देखने को मिला है वो आपके सामने क्लियर है। स्टॉक की प्राइस 170 से सीधे आ गई 1700 के समथिंग और उसके बाद में स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। बाकी स्टॉक से कंपेयर करें तो उतना ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला हमें अडानी एंटरप्राइज के स्टॉक में। अब हम फोर्थ स्टॉक के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है अडानी ट्रांसमिशन। अडानी ट्रांसमिशन स्टॉक की भी प्राइस चल रही है 971 और इस स्टॉक में जो अपट्रेंड है वो भी आपके सामने है। एक साल पहले अडानी ट्रांसमिशन स्टॉक की प्राइस चल रही थी 200-220 और स्टॉक में जो अपट्रेंड देखने को मिला वो भी आपके सामने है और स्टॉक सीधा आ गया 1500 के आसपास और अभी इसकी प्राइस चल रही है 971 यानी कि इस स्टॉक में हमें 400-450 का डाउन ट्रेंड देखने को मिल चुका है। अब हम फिफ्थ स्टॉक की बात कर लेते हैं, जो है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट स्टॉक की अभी प्राइस चल रही है 704 और इस स्टॉक में जो डाउन ट्रेंड देखने को मिला है वो भी आप देख सकते हो। इस स्टॉक में भी हमें काफी अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला। 2020 मार्च में इस स्टॉक की प्राइस चल रही थी 250 और स्टॉक ने हाई मारा 900 का और अभी हमें स्टॉक में 200 पॉइंट तक का डाउन ट्रेंड देखने को मिल चुका है। दोस्तों ये तो हो गए अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक की प्राइस। अब हम ये जान लेते हैं कि जो इसमें न्यूज है वो क्या है। दोस्तों अडानी ग्रुप में जो न्यूज है वो ये है कि कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी ने अडानी डिजिटल लैब्स के 80 यंगेस्ट एम्प्लॉय से मीटिंग की और क्लियर हुआ कि वह बहुत ही जल्द सुपर ऐप लेके आने वाले हैं और वो एक ऐप लेके आने वाले हैं जिससे अडानी पोर्ट के जो भी कस्टमर्स हैं उनसे लेन देन हो सके और साथ ही अडानी ग्रीन के जो कस्टमर्स हैं उनसे भी लेन देन हो सके और फ्यूचर में भी वो और भी सुपर ऐप लेके आने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में ऐप्स को लेके बहुत ही ज्यादा डिमांड होने वाली है। तो अडानी ग्रुप में जो न्यूज थी वो मैंने आपको बता दी है कि वह ऐप को लेकर सोच रहे हैं और फ्यूचर में और भी सुपर ऐप लेके आने वाले हैं। कौन से ऐप आएंगे, कैसे ऐप आएंगे, उन एप्स का क्या बेनिफिट होगा, ये सब भी न्यूज हमें आगे देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।